India is a country that has been a big part of my life and a huge inspiration since my first visit in 2013. Having travelled here for the barbershops in the middle and the south, then returning for the coastline, I wanted to come back to the north and see what both the barbershops and India itself had to offer. Over a 2-week period, I once again immersed myself in a culture unlike anywhere else that I visited. The thing that makes Indian barbershops special to me is the people. So first up, we headed back to one of the barbershops I visited in Delhi on my first journey to get more insights on Indian barbering from one of the current team members. Myself, Naeem Ahmed, son of Wasim Ahmed. I live in district Bijnor, UP, in Mandawar. मैंने सन 2013 से मैंने स्टार्ट किया था ये बार्बर का काम, आई मीन सैलून. मुझे बहुत पसंद था ये पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, मैं जब पढ़ता था. बट मेरे पापा भी यही काम करते हैं, तो मेरा भी मन यही था कि मैं इस शॉप पर आऊँ. और 2013 से मैंने स्टार्ट किया था ये काम. आज 2019 है, मुझे 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए. मैंने 3 साल जो किया अपने यूपी बिजनौर में किया है, और 3 साल मुझे यहाँ पर हुआ है यहाँ पर. और मुझे पहले से ही बहुत पसंद था काम करना है, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, किसी का कट करना या अपना भी रखना. मुझे अपने पापा की दुकान भी थोड़ी संभालनी थी यहाँ पर, इसलिए मुझे रखा गया. और सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर पर अपने भाइयों में, और इसलिए पापा के रहने के बाद, या पापा जब एज से थोड़ा हटके हो जाए, जब काम करना थोड़ा कम कर दे, या फिर कमज़ोरी आ जाती है उम्र के हिसाब से, तो इसलिए मुझे पापा ने ये काम थोड़ा सिखाया, कि ताकि मेरा यहाँ रह सकूँ और मैं काम देख सकूँ यहाँ पर, काम संभाल सकूँ. तो वहाँ से 12th क्लास पास करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ. यहाँ पर भी मैंने आके पहले थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि नए रूल्स होते हैं अलग अलग शॉप के, नए रूल्स होते हैं अलग अलग शॉप के. फिर मैंने यहाँ से तरीका सीखा काम करना, किस तरीके से यहाँ पर हमारे स्टाफ काम करता है, किस तरीके से कटिंग करते हैं, किस तरीके से शेव करते हैं, सब कुछ सीखा मैंने. 6 महीने, मतलब 6 महीने लग चुके थे मुझे यहाँ पर काम कर सीखते हुए ऐसे ही नॉर्मली. फिर मैं ट्रेन हो चुका था यहाँ पर. फिर मैं 2 साल या 2.5 साल में अपना ही रेनू बढ़िया अच्छा काम करना लगा था यहाँ पर शॉप पर. मेरा ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अच्छे से अच्छे जगह जाकर, मेरा जो फ्यूचर, जो मेरा दिमाग में बात है, जो मैं चाहता हूँ, एक बार सऊदी जाकर मैं कुछ मक्का मदीना में जो होती है हमारी उमरा वगैरह, हज करना वगैरह, ये मेरा दिल में है, मैं करूँगा इंशाल्लाह. जो मेरी पूरी मुराद पूरी होगी, अल्लाह ताला मेरा सुनेगा, और मैं अपने घर वालों को भी करवाऊँगा. मम्मी पापा है अभी, मेरे ग्रैंडफादर ज़िंदा है मेरे दादा ज़िंदा है, अगर वे जब तक मेरी मुराद पूरी सुनेंगे, उनको भी मैं हज करवाऊँगा इंशाल्लाह. मेरी है तमन्ना ये, अगर मैं ज़िंदा रहा तो उनकी लाइफ तक. After leaving the craziness of Delhi and taking a 6-hour taxi north, we headed to Rishikesh, the home of yoga and the Ganges, to meet with one of the roadside barbers. Welcome to Rishikesh, our second destination on a normal barber tour, the new individual. And we've already been to Delhi, now we're here in Rishikesh to film some other barbershops. We're on our way to our first barbershop we're going to film. One of the guys has been cutting for 20 years, one of them for 40 years. I'm excited to see what life is like in Rishikesh compared to a place like Delhi, where one of them is actually from. So I'll check it out. मेरा नाम सुरेश चंद है. मेरा नाम सुरेश चंद है. मैं लक्ष्मण झूला में 30-40 साल पहले घूमने के लिए आया था. फिर मुझे यहाँ पे दिखा कोई दुकान नहीं है, नाई की शॉप नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक दुकान किराए पे लिया पहले, छोटा सा, उसमें मैं काम करता था. और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपना काम चलता रहा. फिर ये अपना मैं यहीं पर स्थायी हो गया. 40-42 साल से मैं यही काम करता हूँ. ये हमारा ख़ानदानी काम है. हमारे बड़े पूर्वज भी यही काम करते थे, तो उन्हीं के द्वारा जब घर में काम होता था, तो हम लोगों ने भी ये अपने घर में ही सीखा सब. अपना ये अपना जब से यही काम कर रहे हैं हम. पहले और भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी अपना काम अच्छा लगा, तो अब ये काम यही कर रहे हैं. हमारा ख़ानदानी काम है ये. ये मुझे जो काम करना है,
मुझे शेविंग करना जितनी हार्ड दाढ़ी होगी मुझे बहुत पसंद है, कटिंग करना मुझे बहुत पसंद है, मन लगा के मैं काम करता हूँ। और मेरे जो कस्टमर हैं वो स्पेशल मेरे पास आते हैं, मैं उस तरह का कारीगर हूँ, धार वाले उस तरह का, नो ब्लेड नहीं चलाता मैं, उसकी दाढ़ी मेरी बहुत फेमस है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, ब्लेड की दुकान पे नहीं जाना पसंद करते हैं, उस तरह की दाढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ। तो ये मैं बहुत दिल से काम करता हूँ, तो ग्राहक मेरे पास अपने आप ही आते हैं, भले ही दुकान किनारे है लेकिन मेरे पास कस्टमर आते हैं बाहर के, जो एक बार बनवा लेता है अगले साल भी वो आएगा तो मेरे पास ही आएगा, बगैर पूछे वो डायरेक्ट चला आएगा मेरे पास ही शेविंग कराने के लिए। मेरी बस यही खूबी है कि ब्लेड उस तरह कोई नहीं चलाता आज के ज़माने में, ना ही कोई उस तरह नहीं चलाता, सब ब्लेड तोड़ा उससे दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाता, मैं उस तरह से ही बनाता हूँ अपने धार वाले से, ये मेरी खासियत है। ये काम हमारा ख़ानदानी काम है और हमको अपना ख़ानदानी काम करना बहुत अच्छा लगता है, इस पर हमें बहुत गर्व है, क्योंकि ये अपना ख़ानदानी काम है इस पर हमें बहुत गर्व है। और जो कोई भी आता है हमारे पास, हम नाई ठाकुर हैं, वो हमारे पास में आके गर्दन झुकाएगा ही झुकाएगा, वो गर्दन झुकानी झुकानी है नाई के सामने आकर के, वो गर्दन झुकाएगा। और वैसे हमें इसके इस काम पे अपने गर्व है कि हम हमारा काम है। ये इससे दाढ़ी बनाने में एक तो दाढ़ी नरम रहेगी, मुलायम रहेगी, और इसकी बनी हुई दाढ़ी लेट आएगी, जल्दी नहीं आएगी, और मुंह को काला नहीं करेगी। जो ब्लेड की दाढ़ी बनाते हैं ना, ये कालापन आ जाता है ब्लेड की दाढ़ी से, इसमें वो बात नहीं रहेगी, इसकी दाढ़ी बनाने में खुरदुरापन नहीं जाता, बिल्कुल चिकना रहता है इसकी दाढ़ी बनाने से, और लेट आती है। अच्छा, इसको साफ़ करने का तरीका ये है, जब एक दाढ़ी बना देते हैं तो हर दाढ़ी पे इसकी नई धार तैयार करते हैं। ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल इसमें पथरी में लगा करके, ये लगा करके, और इसमें ये हम नई धार, इसको इसकी धार नई निकाल देते हैं। ये नई धार निकालने से क्या होता है, इसका सब ये सफाई हो जाती है इस रेजर की, एक तरह से ये सफाई होकर नई धार निकल गई, जो इसके कण हैं कटे हुए लोहे के कीटाणु, तो वो इसमें चमड़े में समा जाते हैं। ये चमड़े में समाने के बाद में फिर इसमें कोई साइड इफेक्ट का चांस नहीं रहता, और फिर इससे हम तभी हम इसकी दाढ़ी बनाते हैं। तो दाढ़ी इसकी बहुत फर्स्ट क्लास बनती है, और आपका ब्लेड का खर्चा भी नहीं पड़ता, और दाढ़ी, और ग्राहक खुश होकर जाता है। इसकी कई खूबियाँ हैं, इसलिए हम ब्लेड नहीं चलाते, इसी को अपनी धार मन के मुताबिक जितना तेज करना है उसी पावर में हम इसको पथरी पे तेज कर लेते हैं, तो इसकी दाढ़ी वेरी गुड बनती है। हाँ, इसके मुकाबले ये ब्लेड फेल है, जो मेरा अनुभव है। Our next 12-hour car ride took us into the mountains to Manali, just an hour's drive from the famous Rotang Pass, and filled with beautiful Buddhist and Hindu temples, to meet with another super interesting Indian barber and hear his story about working in this great town. So we are down in Manali at Adra's Hairdressers, and we're going to ask him a few questions about his barbershop and his life as a barber. मैं ये आपका इससे 18 साल पहले ये काम सीखा हूँ, तो कुछ मतलब घर की मजबूरियाँ थी, पढ़ नहीं पाया ज़्यादा मतलब, तो फिर मजबूरन ये काम सीख लिया मैंने। तो 2-3 साल वहाँ जोगिंदर नगर पर करता रहा, जहाँ से मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से, फिर उसके बाद मनाली लेके आए मेरे को, वही मेरे वहीं से थे, मतलब कोई दुकान करते थे मनाली में, प्लाजा एड्रेसर, तो फिर मैं यही मतलब काम थोड़ा बहुत जो था कुछ गांव पे सीखा था कुछ, फिर उसके बाद यहाँ आके सीखा, बस ऐसे ऐसे ही था सिस्टम। तो यहाँ फिर 9 साल तो उसके वहीं काम किया, जिन्होंने मेरे को लाया था जोगिंदर नगर से, फिर उसके बाद मैंने ये अपना काम किया यहाँ, तो यहाँ मेरे को 9 साल हो गए यहाँ पर, मतलब 9 साल उनके वहाँ रहा, 9 साल मेरे को यहीं हो काम करते। So what's it like working seasonally in Manali? ऐसा है कि यहाँ मतलब जो पीक सीज़न है, जो सीज़न ज़्यादा चलता है, वो चलता है मई और जून, फिर उसके बाद जो हमारा मतलब लोकल कस्टमर भी यहाँ रहता है जो यहाँ का है,
कुछ एम्प्लॉइज नीचे से जो यहाँ मतलब जॉब करते हैं, जैसे होटल या मतलब होटल के हुए, टैक्सी वाले हुए, ऑटो वाले हुए, फिर नीचे से बाहर से जो भी कस्टमर है, वो उनका मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो काम मिलता रहता है। हाँ, आपका जनवरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको स्नो यहाँ आता है, तो स्नो की वजह से मतलब लोग जो हैं यहाँ के जो वर्कर हैं वो घर चले जाते हैं, तो उस टाइम हम भी कुछ टाइम के लिए घर चले जाते हैं जी। What do you love about being a barber and why do you think you'll continue to do it? अपनी फैमिली को चलाना है, कैसे उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनका भरण पोषण भी करना है, तो आदमी के लिए काम तो कुछ कोई भी करे, आदमी के लिए काम ज़रूरी है, काम के बिना तो कुछ भी नहीं है मतलब, इस करके फिर ये काम मैंने सीखा है। तो घर से भी ऐसा था कि मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, मिडल मतलब घर के थे, तो इस करके फिर ये काम सीखना पड़ा। तो ऐसा है, अब बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी एमए किया हुआ है, छोटी सेकेंड ईयर में है, बेटा 9th में है, बस इसी काम से गुजारा चला हुआ है, बस ऐसा कि भगवान दो टाइम की रोटी दे रहा, अच्छा मतलब अच्छा चला हुआ है। India never fails to surprise me. The barbershops are a fundamental part of society for Indian men, and the country is one of the most exciting and vibrant places I've been to. I love to explore and take on the unexpected challenges that India likes to throw at me on a daily basis. I hope you've enjoyed watching this episode of The Nomad Barber and my return to India. One thing I know for sure, this won't be the last time.